आप सबको मैरी क्रिसमस हमारी और हमारी फैमिली की तरफ से। तो आज ऑफ कोर्स इंडिया में तो क्रिसमस ऑलरेडी अब हो चुका है एंड आज यहाँ हमारे क्रिसमस स्टार्ट हुआ है। अभी इट्स आफ्टरनून, दिन का सारा काम फिनिश हो चुका है एंड क्रिसमस ट्री भी ब्यूटीफुली डेकोरेट हो गया है हमारा। बस उसके नीचे अभी जो है क्रिसमस के जो प्रेजेंट्स है वो अभी ट्री के नीचे अंडर द ट्री रखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अभी आज मैं केक बनाने वाली हूँ, क्रिसमस स्पेशल केक। फ्रूट केक बनाऊंगी एगलेस, क्योंकि आज एकादशी भी है तो एग नहीं यूज़ करते हम लोग, एकादशी में नहीं खाते हैं नॉनवेज। तो एगलेस केक बनाऊंगी। तो जस्ट अभी सारा जो भी डेकोरेशंस है वो तो हो चुका है, अभी नीचे जाऊंगी केक बनाने के लिए एंड देन उसके बाद बच्चों के लिए आके जो गिफ्ट लेके आई थी मैं बट आप लोगों से शेयर नहीं किया था, वो सारे गिफ्ट्स अभी रैप करेंगे एंड देन रैप करके अंडर द ट्री रखेंगे। शाम में होगी एक छोटी सी फैमिली गेट टू गेट एंड क्यूट सा सेलिब्रेशन बच्चों के साथ, तो आप लोग भी ज्वाइन कीजिए बींग अ फैमिली। तो बस तैयारी करते हैं, अभी बनाती हूँ केक एंड देन उसके बाद जो भी होता है कंटिन्यू करती हूँ, साथ में आप लोगों के साथ छोटे छोटे क्लिप शेयर करूंगी। तो बस चलती हूँ अभी किचन में एंड बनाती हूँ फ्रूट केक एंड गोना शेयर यू द रेसिपी अलोंग विद दैट। तो चलती हूँ किचन में। सो केक बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने एम्प्टी बोल लिया है, अब इसमें मैं 1/4 कप रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं 3/4 कप यहाँ पे ग्राइंडेड शुगर पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। तो चीनी अगर आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसके साथ ही एक चीज़ मेक श्योर करना है कि इसे हमें अच्छे से ब्लेंड करना है, बिकॉज जो हमें स्टार्टिंग में ब्लेंडिंग जितनी अच्छे से होगी हमारी केक उतनी फ्लफी बनेगी। अब सिमिलरली मैंने यहाँ सेम जो मैंने कप लिया था उस कप से यहाँ 1/2 कप यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है मिल्क रूम टेम्परेचर पे एंड देन इसे भी अच्छे से मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ। तो ये सब ब्लेंडिंग हमारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो यहाँ बहुत अच्छे से ब्लेंड करके अब मैं फाइनली 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ एंड ऐड करके इसे मैं मिक्स कर ले रही हूँ। अगर आप चाहे तो थोड़ा सा और वनीला एसेंस ऐड कर सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है केक का। अब यहाँ पे सेम कप से मैं यहाँ 1.5 कप मैदा ऐड कर रही हूँ। तो एक चीज़ ध्यान देना है, जिस कप के अकॉर्डिंग हम मैदा ऐड करेंगे उतने ही टीस्पून से हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। लाइक मैंने 1.5 कप मैदा लिया है तो यहाँ पे 1.5 टीस्पून मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ और बेकिंग सोडा बिल्कुल थोड़ा सा देना है। तो इतने बैटर में जस्ट मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे जो मैं हल्के हाथ से ब्लेंड करना, अब यहाँ पे हमें ज़्यादा तेज़ी से ब्लेंडिंग नहीं करनी अदरवाइज़ ये केक जो है हार्ड हो जाएगा। तो जस्ट लाइट हैंड से यहाँ मैदा को अच्छे से थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए मैं लाइट हैंड से ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि कोई लम्स ना रहे। और इसके साथ ही ये मेरी ब्लेंडिंग भी हो चुकी है और इसके साथ बच्चों ने बोला ड्राई फ्रूट्स के जगह टूटी फ्रूटी, तो उसमें मैं थोड़ा सा यहाँ मैदा डाल के इसे मिक्स कर ले रही हूँ। और मिक्स करने के बाद जो मैंने यहाँ पे बैटर रेडी करके रखा है इसमें मैं थोड़ा सा 3/4 टूटी फ्रूटी ऐड कर दूँगी अभी और थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए मैं बचा के रखूँगी 1/4 अराउंड। और इसे फिर सेम वे में हल्के हाथ से यहाँ जस्ट मैं मिक्स कर ले रही हूँ। अब इसके बाद मैं अवन को 350 डिग्री फारेनहाइट पे प्री हीट कर लूँगी। अगर आप चाहे सेंटीग्रेड में तो यू डू 180 डिग्री। तो यहाँ अवन को मैंने जब तक प्री हीट किया है यहाँ मैं जस्ट यहाँ जो बेकिंग ट्रे है उसमें ऑयल लगा के ग्रीस इसे कर ले रही हूँ ताकि जो केक हमारा बने वो बिल्कुल भी ट्रे में स्टिक ना हो। एंड इसके साथ ही जो मैंने यहाँ केक का बैटर रखा था वो उसमें मैं डाल के एंड फाइनली इसे शेक कर ले रही हूँ ताकि जो भी एयर है वो आउट हो जाए एंड केक हमारा फ्लफी बने। एंड ये मैंने डेकोरेट कर लिया है और इसके बाद अब फाइनली यहाँ पे मैं बेक करने के लिए इसे सेम 350 डिग्री पे अराउंड 40-45 मिनट्स तक मैं इसे बेक कर लूँगी। तो बस वहाँ पे केक बना के बेक होने के लिए अराउंड 40-45 मिनट्स के लिए डाल दिया है। जब तक उधर केक बेक हो रहा है यहाँ मैं गिफ्ट रैप कर ले रही हूँ बच्चों के एंड उसको क्रिसमस ट्री के नीचे रखना है फॉर सरप्राइज। तो जस्ट अब गिफ्ट रैप करने लगी हूँ यहाँ पे मैं। सारा यहाँ गिफ्ट रैपिंग हो गया है बच्चों के।
अंडर द ट्री रख देती हो अभी? एक्साइटिंग लग रहा है, बस अब जा रहे हैं, बच्चों को रेडी करेंगे एंड हम रेडी होंगे एंड देन वी विल डू अ लिटिल क्यूट सेलिब्रेशन विद किड्स, सरप्राइजेज एंड ऑल। एंड केक भी बेक हो गया, तो बस केक का छोटा सा लुक दिखाती हूँ एंड देन आप बच्चों को एंड गेट रेडी होके चलिए फिर सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस। रेडी हो गया हमारे बच्चे से, मैरी क्रिसमस। तीनों गर्ल्स रेंजर लुक में रेडी है, नाउ बॉयज इधर रेडी हो रहे हैं। ओके नाउ वी विल सेलिब्रेट। ओके मैं अपना थोड़ा सा लुक चेंज कर लूँ, हल्का सा कुछ रेड रेड पहन लेती हूँ, जल्दी से तैयार होके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। क्रिसमस का आउटफिट पहन के रेड रेड मैं भी रेडी हो गई हूँ एंड बच्चे भी रेडी है एंड दे आर सो एक्साइटेड, बाहर बहुत ज्यादा हल्ला कर रहे एक्साइटमेंट में एंड नीचे केक भी रेडी है, तो बस अब केक लेने चलती हूँ एंड केक का थोड़ा सा लुक दिखाती हूँ आप लोगों को एंड देन यस बेटा एंड फिर थोड़ा सा फिर बाद उसके बाद करेंगे सेलिब्रेशन। ये ली मिली छोटी सी एक्साइटेड ओ माय गॉड, एक्साइटमेंट में मेरे साथ कुछ भी कर देगी ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो बस चलती हूँ बाहर एंड पहले केक के थोड़ा केक के पास अभी चलती हूँ ऊपर और दिखाती हूँ ऊपर चल के छोटे छोटे हमारे बच्चों की एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं वो लोग, तो चलिए दिखाती हूँ उनकी एक्साइटमेंट।
got this doll. और क्या मिला त्रिशु? ये खोलो. Open this one. Open this one. त्रिशु got this one. And then this one. And then this outfit. मिला है. Ahana got this safe. And what else? Now this doll. What else? And this dress, so cute. Ahana ka bahut cute cute sa hai. Okay, Shubhu got this t-shirt. And what else? Or okay, this little car. And that remote car? Yes. Remote jeep. And what else? और शुभ को मिला है दिस वन लैपटॉप. हाँ दे, यू आर हैप्पी? हैप्पी, वेरी हैप्पी. ओके खोल लीजिएगा. यशु को मिला दिस बिग शार्क टॉय. यू लाइक इट? एंड और क्या मिला? दिस कार. शार्क कार, नाइस वन. अब ईशी टर्न. चलो ईशी दिखाएगी क्या क्या मिला. लॉकर सेफ. तो आहाना ईशी का मैचिंग है सेफ. एंड ईशी गॉट दिस मरमेड. यस. एंड देन दिस आउटफिट. क्यूट. ईशी हैप्पी. ओके त्रिशु को क्या क्या गिफ्ट मिला है शो मामा? दिस रिंग एंड दिस ब्यूटीफुल डॉल. त्रिशु कैसे लुक ला है? And this ring. Merry Christmas. Merry Christmas. सभी घर का सेलिब्रेशन हो गया है. डेकोरेशन भी आप लोगों ने देख ही लिया. तो बस चलिए भाई बाहर चलती हूँ. अपने घर का, हमारे घर का एंड जो अगल बगल एक दो नेबर हैं उनके डेकोरेशन दिखाती हूँ. बहुत ही ब्यूटीफुली सबने डेकोरेट किया है. तो आप लोगों से अभी तक तो शेयर नहीं किया था, करना था बट नहीं कर पाई थी. बट अभी चलती हूँ लेके आप लोगों को थोड़ा सा अपने नेबर का एंड अपने घर का डेकोरेशन दिखाने के लिए. तो चलिए चलते हैं. एंड ऑफकोर्स इट्स टू कोल्ड आउटसाइड, तो आई एम गोना वेयर द जैकेट. एक दो घर जो अगल बगल में हमारे, इंक्लूडिंग हमारा घर, तो डेकोरेशन दिखाती हूँ. बाहर निकलने के लिए ये हेयर आई एम फुली पैक्ड टॉप टू बॉटम. तो चलिए थोड़ा डेकोरेशन देखते हैं. ऑलमोस्ट दिवाली एंड क्रिसमस का ऐड कर दिया है. Christmas special surprise. What you say? Merry Christmas and say thank you. सेलिब्रेशन के साथ आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ. एंड आई एम गोना एंजॉय द फ्रूट केक नाउ. बहुत ही यमी यमी बना है, सो आई एम एंजॉयिंग इट. बस यही एंड करती हूँ. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करके हमारे रियल लाइफ शेयरिंग एंड केयरिंग का हिस्सा बन जाइए. एंड एज ऑलवेज स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय फॉर नाउ. एंड वन मोर टाइम मेरी क्रिसमस. बाय बाय. Good night, everybody.